सलीम भाई, रहने के बाद नेक्स्ट प्लान? नेक्स्ट प्लान है जी हाजी शेर। ठीक हो गया, डन हो गया जी? ठीक हो, जल्दी करो फिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फहीम राना चैनल के साथ जुड़े हुए तमाम सामने कराम को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सभी व्यूवर्स खैरियत से होंगे। चलिए आज का व्लॉग करते हैं शुरू। सामने कराम, इस वक्त मैं बुरेवाला सीरीज एक्सप्लोर कर रहा हूँ, तो इसी सिलसिले में मैं आज हाजी शेर, एक कस्बा है दीवान साहब, वहाँ पर पहुँचा हूँ। तो आज जो व्लॉग है, व्लॉग का जो आगाज़ मैं पंजाबी में ही करूँगा, क्योंकि इस वक्त जी पंजाब की मशहूर हस्ती बाबा गुरु नानक, उन्होंने जितने चिला कटिया सीगा उस जगह तो मैं मौजूद हाँ। तो गुरुद्वारे का थोड़ा मैं दर्शन कराना है, खास तौर पर सिख वीर वास्ते, क्योंकि सिख वीर बहुत अकीदत मुहब्बत है गुरु नानक साहब के नाल, क्योंकि बाबे फरीद ने जिते जिते कदम लाए उस कदम से तुरद है मुहब्बत का पैगाम दिते हुए। गुरु नानक साहब इतों तक आए, उन्होंने पैगाम जिला आम किया, क्योंकि मुहब्बत का दूसरा नाम पंजाब के कहा जाता कि हर जगह पर मुहब्बत वंडो, ताकि नफरत और शरंगेजी दा जो पंजाब ते साया ही नहीं आ सके। तो इस मुहब्बत को आम करते हुए अज असी पहुँचे हैं दीवान साहब, एक छोटा जा कस्बा है बाबा हाजी शेर, उतों की मशहूर हस्ती है, तो उदे नाल ही तुहानूं दर्शन। जिन्नी ते ना उतरे कदी भी कोई अजाब, रब्बा तेरा वसे काबा, साडा वसदा रहे पंजाब। पंजाब दे एक मित्र की भरपूर ख्वाहिश की वजह नाल मैं इत्थे पहुँचा, 55 किलोमीटर का फासला तय करके, ताकि अपने मित्र की यह ख्वाहिश पूरी हो सके, गुरुद्वारे उन्होंने दर्शन कराए जा सकन। नवे मित्रा हूँ दाखला आप ही अपने गुरुद्वारे के मनाजर वेख लो सामने नज़र आ रहा वा, तो थोड़े ही फासले से असं अंदर इंटर हो जावे, तो फिर तुम अंदर के मनाजर भी दिखाने। वैसे तो यह गुरुद्वारा एक सरदार के अंडर आ, लेकिन इतने एक मुस्लिम फैमिली रह रही है जी ख्याल करती है। असं कई सौ साल गुजरन के बावजूद भी माशाला ठीक ठाक इमारत खड़ी है, तो तुम कुछ नज़ारे तको तो वेखो किस अंदाज के बाबा जी हर ने जगह देख लो कि बहादुर की बहर के मनाजर देख लो, माशाला बेहतरीन हालत के बिल्डिंग खड़ी है, तो बस मामूली जहा पेंट का मसला वा, बाकी सारी ठीक ठाक बिल्डिंग खड़ी है। उस वक्त के जदीद नक्शे के मुताबिक ये बिल्डिंग बनाई गई, जिरा कि साडा मूँह बोलदा सबूत इस चीज़ के सामने तुम कुछ मनाजर दिखाने। दोस्तों दियार की लकड़ी का बनया दरवाज़ा अपनी मजबूती के मियार की वजह बहुत मशहूर है, जी आप देख सकते हो। यह है जी गुरुद्वारे के बाहर के मनाजर। इस वक्त भी तुम कस्बा दीवान आओ तो ऊंचे केले के होने की वजह न गुरुद्वारा वाजे नज़र आ जाता है। साढ़े सोहने पंजाब की तारीख दसदी है कि जिन्होंने मुहब्बत अमन तो हर वक्त लोगों की भलाई का बना ही सोचा, उन्होंने नाम रद्द दुनिया से भी कायम रहा, तो जिन्होंने नफरत शरंगेजी तो फसाद फैलाया उन्होंने नस्लों में भी मिट गई, तो उन्होंने नाम लेने वाला भी अच्छी कोई नहीं है। बिल्कुल बाबा जी हर ने मुहब्बत का पैगाम पूरी दुनिया से पहुँचाया, तो अज उन्होंने नाम लेने वाले हर जगह पर बिल्कुल सर झुक जाते हैं, क्योंकि उन्होंने मुहब्बत का पैगाम आम किया। लो जी इंतजार दी घड़ियां खत्म हुई, तो हम जा रहे हैं जी अंदर, अंदर के मनाजर भी तुम दिखाने, तो देख के तुम दर्शन करे बाबा जी हरे की जगह का, जिस जगह पर बाबा जी हर ने सब तो पहला तिलाकशी की थी, और बात करते हुए उन्होंने अपना एक ठिकाना दुनिया से छड़ दिता, ताकि अमन तो शांति रखने वाले हमेशा ही हर जगह बाबा जी के घर के दरवाजे हर जगह खुले रहेंगे। दोस्तों बाबा जी की बैठक की हिफाजत करने वास्ते इतने एक फैमिली रिहायश पजीर आ, जिड़ी कि हर वक्त गुरुद्वारे की सफाई सुथराई के लिहाज हर एक चीज़ का इंतजाम करती है, तो असं बड़े खुश होंगे कि वह फैमिली बिना किसी मजहब की रोक टोक बिना किसी की झिझक के नाल कोई भी इतने गुरुद्वारे की दर्शन करना चाहे तो बिल्कुल आ सकता। तो मैं गुलाब चुक के तुम जगह का नज़ारा करना है जिदा कि तुम बेदर्दी के नाल इंतजार कर रहे हैं जी। यह एक इबारत लिखी हुई है संस्कृत जबान के जी कि मैनू पढ़नी नहीं आई, अगर किसी दोस्त को यह पढ़नी आवे तो जरूर इस कमेंट के मैं राय दे कि लिखा हुआ वा। तो लो जी यह तस्वीर देखो बाबा जी हर की, तो यह जगह थी जिस जगह पर बाबा जी ने बैठ के अपनी चिलाकशी की इबादत की, नाल उन्होंने दुनिया को अमन के पैगाम वास्ते तलकीन की। तो यह जगह तुम अंदरूनी मनाजर देखो कि सैकड़ों साल गुजरने के बावजूद भी बाबा जी हर की बिल्डिंग अजे भी उम्मीद कायम दायम आ, अल्लाह करे कायम दायम रहे, क्योंकि बहुत ही नायाब गुरुद्वारा
ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਵੈਲਕਮ, ਉਹ ਆ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਉਤਰੇ ਨਾ ਕੋਈ ਅਜ਼ਾਬ, ਰੱਬਾ ਤੇਰਾ ਵਸਦਾ ਰਹੇ ਕਾਬਾ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਵਸੇ ਸਦਾ ਪੰਜਾਬ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇਮਾਨ ਤਾਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਊਗੀ। ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਆਮ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ, ਵਾਜ਼ੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ।